क्या आप जानते हैं, कभी कभी कुछ भी ना लिख पाना कितना दर्द दे सकता है। इस खालीपन से भरे लॉकडाउन में लगता है कुछ खो सा गया हूँ आजकल। बिल्कुल खाली हो गया हूँ, दिमाग से, आत्मा से, अल्फाज से, शब्दों का जैसे अकाल सा पड़ गया हो मेरे भीतर। क्या आपने कभी मिट्टी का मटका देखा है, खाली और सूखा? कुछ कुछ ठीक वैसा ही, जिसमें पानी उड़ेल देने से वह संतुष्ट हो जाएगा, ठीक उसी तरह मेरे भीतर भी उस सुख दुख के भाव मुझे पूरा भर देते हैं। आज यूं ही घर में टहलते वक्त फिर अचानक दिमाग में सैकड़ों सवाल अपने अनगिनत जवाब समेत कुछ खोजने के प्रयास में सुबह बिस्तर से निकल 20 बार घर का पूरा चक्कर लगाकर फिर उसी बिस्तर में अपने सवालों को सिराहाने रख नींद में जवाब खोजे निकल जाते हैं। कठिन मंथन होता है, बेड़ियों में बंधी वो तमाम यादें, वो किस्से, वो रूठना मनाना, माँ के हाथ का खाना, पिता का गले लगाना, आसपास सब बिखर जाना, यारों का प्यार जताना, मन का हर एक भाव अपना कमरा छोर रूंद भेद कर मुझे नींद से जगा कुछ लिखने पर विवश कर जाते हैं। पर मेरी नींद मेरे सोचने की व्याकुलता समझ नहीं पाती। और होता यूं है कि वो जो मटका जो सूखा पड़ा था अब भी खाली रह जाता है, जिसमें भर जाने चाहिए थे वो तमाम बोझ, जिसका भार अधिक विनम्र है, शायद जिसके छूट जाने से मैं फिर बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, दिमाग से, आत्मा से, अल्फाज से।